हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम बैक टू एमपी व्लॉग्स। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ वडवाड़ा धाम दूधरेज, जो करीबन सुरेंद्रनगर बस स्टैंड से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो अभी हम वडवाड़ा धाम पहुँच गए हैं और आप मेरे सामने देख रहे हैं उसका सुंदर गेट। तो ये सामने है पार्किंग और हम बाइक पार्क करने जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं वडवाड़ा धाम मंदिर का सुंदर सा गेट। गेट के अंदर आप देख सकते हैं गेट कितना बढ़िया है। और गेट के अंदर जाते ही भाई साहब बढ़िया मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। मैंने ऐसा मंदिर मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। हम लोग आ गए हैं सुरेंद्रनगर से 5-6 किलोमीटर दूर दूधरेज वडवाड़ा धाम। ये जो वडवाड़ा धाम है वो समस्त गुजरात के जो रबारी समाज होते हैं, जो गौपालक होते हैं, उनका एक आस्था का केंद्र है। वो लोग हर दिन हर बार यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं मंदिर कैसा है और उसकी खासियत क्या क्या है। आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा। दोस्तों, ये है मंदिर का पूरा अंदर का व्यू जो आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग देखिए कितना सुंदर मंदिर है और दो नारियल के वृक्ष भी है। और ये आप देखिए वड़ का पेड़ जो वडवाड़ा धाम का एक प्रतीक है। ये मंदिर के अलग अलग दर्शन आप देख रहे हैं। और ये है मेन मंदिर जो सुंदर पास से बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये भाई वड़ का नीचे का हिस्सा है, नीचे भी एक छोटा सा मंदिर है जो आप लोग देख पा रहे हो। और ये ऊपर का व्यू है और ये तो बाकी बढ़िया है। और ये है पूरा मंदिर का ऊपर से मैंने व्यू लिया है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और ये भाई देखिए आप मंदिर के अंदर की कलाकृति, स्तंभ कितने बढ़िया से सजाए हुए, कलर काम किया हुआ है। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये करीबन 500 या 600 साल पुराना है। और आप जो मेरे पीछे एक पेड़ देख रहे हैं वो है वड़ का पेड़ है, इसको वड़ बोलते हैं। और ये मंदिर इसी पेड़ की वजह से प्रसिद्ध हुआ है। ये पेड़ भी शायद 300-400 साल ही पुराना है और ये पेड़ की वजह से ही ये मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। इस पेड़ को वड़ बोलते हैं और इस मंदिर का नाम इसकी वजह से ही वडवाड़ा पड़ा है। दोस्तों, ये है मंदिर का अंदर का नज़ारा जो आप लोग देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर जगह है और रहने के भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये है मंदिर का अंदर का व्यू। अंदर फोटो लेना अलाउ नहीं था इसलिए मैंने बाहर से लिया है। ये है द्वारकाधीश की मूर्ति जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ये है वडवाड़ा भगवान जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया मूर्ति है। और ये आप लोग देख पा रहे हैं राम, लक्ष्मण और जानकी की मूर्ति। ये है यहाँ के संत और ये है वटेश्वर महादेव। तो ये है जिन्होंने यहाँ पे जो दान किया है उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। और ये आप लोग आगे देखिए, ये जो पुराने संत हो गए उनकी समाधियाँ है, काफ़ी अच्छी समाधि है। यहाँ दर्शन करने का बहुत ही अलग आनंद है, आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, जो समस्त गुजरात के रबारी समाज है उनका ये आस्था का केंद्र है। समस्त गुजरात के जो रबारी समाज के लोग हैं वो यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। इस मंदिर में एक कोटेश्वर महादेव है और राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है और वडवाड़ा भगवान का भी मंदिर है और श्री कृष्ण यानी द्वारकाधीश का भी मंदिर है। मंदिर काफ़ी बड़ी जगह में है और यहाँ पे यात्रियों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया है। तो यह मंदिर काफ़ी सुंदर है। और अगर आप लोग सुरेंद्रनगर के आजू बाजू रहते हैं तो सुरेंद्रनगर से 5-6 किलोमीटर के दायरे में ये मंदिर आता है। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और समस्त गुजरात के रबारी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं
और बच्चों की शादी करवाने के बाद नए जोड़े को यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाते हैं और बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमारी कोई इस वीडियो में खामी भी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस खामी को लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में हमारी ये खामियां दूर करने की पूरी कोशिश करें। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।